नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गरीबों के लिए कमलनाथ सरकार। 100 रुपए बिजली बिल हो गए थे जो अब शिवराज सरकार में बड़े बिजली बिल से परेशान अशोकनगर से गरीबों ने पुनः शिवराज सरकार से बढ़ते बिलों को लेकर फिर लगाई गुहार। पीड़ितों ने कहा अब उनके बिजली बिल 5 से लेकर 7 हजार तक आ रहे हैं। बिल पीड़ित परिवार बिल न भरने के लिए असमर्थ है। पीड़ितों ने कहा कि वह बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है और उनके पास घरों में इसलिए कोई खास उपकरण भी नहीं है जिससे उनके इतने बिल आ रहे हैं। पीड़ित परिवार बार बार बिजली विभाग के चक्कर लगाने को विवश है और अब अंधकार की ओर ही अग्रसर है। जी ने मीटर लगवाया था, अब हमारा क्या कहते हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, हमारा आदमी भी नहीं है तो कौन देगा। हम हमारी लाइट कट जाएगी, अंधेरे में थोड़ी बैठ सकते हैं। आप हमारा बिल माफ़ करो, हम इतना बिल जमा नहीं कर सकते, कैसे कि हमारे यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। हम दोनों बुजुर्ग हैं, 1-2 साल में जा रहे हैं और हमारा 90 साल में जा रहे हैं और कोई नहीं है कमाने वाला हमारा। हम इतना बिल नहीं दे सकते और 100 रुपये आता था कभी, अब से 500। बिजली अधिकारियों का कहना है कि पूर्व योजना का लाभ अब गरीबों को नहीं मिल रहा है और बड़े बिजली बिल में अगर मीटर में कोई खामी है तो उसे तकनीकी टीम से तत्काल दुरुस्त करवाएंगे। महेश श विद्युत मंडल अशोकनगर। अशोकनगर से IN7 न्यूज के लिए करमजीत कौर की रिपोर्ट। जो भी रीडिंग आई होगी उसके हिसाब से बिल तुरंत जनरेट करके दिया गया होगा। अभी तो मैंने देखे नहीं इनके बिल, देख के ही मैं कुछ बोल पाऊँगा, बाकी रीडिंग बस चेक करवाया होगा यहाँ से अपने स्टाफ से, तो रीडिंग सही पाई होगी इसलिए स्टाफ ने बोला होगा कि इतना बिल देना ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर इनको डाउट है तो मीटर टेस्टिंग के लिए एक अलग से आवेदन होगा, वो गुना में टेस्टिंग होती है, उसकी लैब गुना है, हमें वहाँ भेजना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी जो भी फीस है वो जमा नहीं करना। को लेके कुछ समस्या है इन लोगों की, के इन लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये लोग बहुत परेशान हैं। इनकी ये समस्या है, इनकी समस्याओं का हल कहाँ तक होता है। भाई मेरा नाम करमजीत कौर है।